अच्छा, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी स्टार्ट से। सही। पहले तो बायोलॉजी, बायोलॉजी होती क्या है? बायोलॉजी निकला है दो वर्ड से, बायो और लॉजी से। सही है, एक है बायो, दूसरा है लॉजी। बायो मीन्स लाइफ और लॉजी मीन स्टडी। स्टडी, सही। तो स्टडी ऑफ लाइफ को क्या कहेंगे? बायोलॉजी। सही, सिंपल है। अब लाइफ की स्टडी क्या होगी? जैसे दुनिया में क्या क्या चीज़ होती है, मेन क्या क्या चीज़ है दुनिया में? एक होती है लिविंग, एक होती है नॉन लिविंग। ये दो चीज़ें पाई जाती है ना, लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स। सही है, तो लिविंग थिंग्स की स्टडी को जो कहते हैं वो कहते हैं बायोलॉजी। सही है, मतलब लिविंग थिंग्स जो जानदार चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ने को कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी, अच्छा, बेजान चीज़ है, इसको भी थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं लेकिन इतना नहीं करते। बायोलॉजी में ये भी चीज़ आती है लेकिन इतनी नहीं आती। सही है, अब लाइफ स्टार्ट कैसे होती है? कोई भी चीज़ जो है वो कैसे बनती है, कैसे बनती है लाइफ, स्टार्ट कैसे होती है? इंसान की, जानवर की, पेड़ पौधों की, किस तरीके से स्टार्ट होती है? वो स्टार्ट होती है सेल से, सेल्स से स्टार्ट होती है। कोई भी लाइफ जो है वो सेल से स्टार्ट होती है। बड़ा बेकार टॉपिक है। तो सेल से स्टार्ट होती है, सेल के बाद बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज के बाद बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन के बाद बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के बाद बनता है ऑर्गेनिज्म। सही, पहले सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज बनते हैं, फिर ऑर्गन बनते हैं इस सेल्स, ऑर्गन के बाद जो है ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म बनता है। ऑर्गन कहते हैं, ऑर्गन होता है जैसे बहुत सारे टिश्यूज जो मिलते हैं ना, जैसे सेल्स मिलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स मिल रहे हैं तो वो बनाएंगे टिश्यूज। सही, जैसे मसल्स, मसल्स जो होते हैं, जैसे ये मैंने एग्जाम्पल के लिए तौर पे मैंने बनाया एक आर्म। सही है, ये आर्म है, आर्म बनाया आम के। ये जो ये चीज है ये क्या है? मसल्स है, इसमें बोन्स है। सही है, मसल्स क्या है? टिश्यूज है, मसल्स के अंदर टिश्यूज मौजूद है। सही है, और ये टिश्यूज किससे बने? सेल्स से। इसमें क्या क्या सेल्स होंगे? रेड ब्लड सेल्स होंगे जो कि ब्लड होता है, वाइट ब्लड सेल्स होंगे। सही है, प्लेटलेट्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें और भी पाई जाती हैं। सही, बोन्स होंगी वगैरह वगैरह जो है ये सेल्स और टिश्यूज। सेल्स बनते हैं, फिर सेल्स से बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन्स। ऑर्गन्स कैसे? जैसे हार्ट, अब ऑर्गन में क्या आएगा? हार्ट ऑर्गन है, हार्ट, हार्ट दिल, हार्ट, और लीवर, लीवर भी ऑर्गन। सही, स्टमक, लीवर मतलब जिगर। ये होता है, ये खून बनाते हैं जिस्म में, ये ऐसा दिखता है, ये दो पीसेस में होता है, ऐसा दिखता है ये, जिगर ऐसा दिखता है, कलेजी नहीं, नहीं फेफड़े ऐसे होते हैं, फेफड़ा इस टाइप का होता है, फेफड़ा होता है ये। हाँ, ये फेफड़ा है, सही बना है ना, ड्राइंग इतनी बुरी है मेरी, बनता नहीं है। ये फेफड़े, ये जिगर होता है, ये
आपस में जुड़े होते हैं, दो पीसेस होते हैं, एक छोटा पीस होता है एक बड़ा पीस। क्या इंसानों का नहीं खाते, जानवरों का? हाँ हाँ तुमने नहीं खाया लेकिन लोग खाते। ये फेफड़े, सही। ये जो है ना, ये जब इसमें ऑक्सीजन नहीं होती ना, ये बिल्कुल सिकड़ जाता, और जब ऑक्सीजन आती है फूल जाता। सही, वो रिस्पायरेशन वाला टॉपिक है, वो आ गया है। ये अगर टिश्यूज, टिश्यूज के बाद ऑर्गन्स में ये लीवर, हार्ट वगैरह, फेफड़े जो वो है अपना, फेफड़े आ गया, लीवर आ गया, हार्ट आ गया। सही है, ये सारी चीजें किसमें? ऑर्गन्स है। ऑर्गन सिस्टम किसे कहेंगे? ऑर्गन सिस्टम कहते हैं जैसे एक सिस्टम जो चल रहा होता है, हार्ट के साथ कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं, ये किसे है? ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सही है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑर्गन सिस्टम में आएगा। अब ऑर्गन सिस्टम क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन मौजूद हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में एक हार्ट होगा, हार्ट के साथ क्या है? लीवर होगा, क्योंकि खून ये बना रहा है, हार्ट पंप कर रहा है, पंप करता है खून को। सही है, उसके अंदर पंप लगा होता है, पंप करता है, आगे भेजता है, वापस आता है, फिर आगे भेजता है, फिर वापस आता है। सही है, ये क्या करता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, में हमारे पास हार्ट, लीवर वगैरह ये सारी चीजें आ जाएंगी। सही है, और फिर ऑर्गेनिज्म क्या होगा? ह्यूमन बॉडी, पूरी ऑर्गेनिज्म, पूरा जो जिस्म है वो है ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन एक ऑर्गेनिज्म है, सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म खत्म, फिर ऑर्गेनिज्म आगे डिकम्पोज हो जाए, वो आगे का प्रोसेस है। उसमें क्या होता है? ऑर्गेनिज्म जो है वो अंदर या उसको किसी भी तरीके से डिकम्पोज करते हैं तो उसमें से कुछ भी नहीं रहता बाकी, उसमें से सिर्फ थोड़ा सा नेचुरल वो निकलता है, जिसमें हाइड्रोकार्बन वगैरह केमिकल्स होते हैं, ये चीज़ें बचती हैं। सही, ऐसे अब प्लांट्स का जो, ये तो ह्यूमन बॉडी हो गई, प्लांट्स भी सेम होता है। प्लांट्स एक सेल से शुरू होता है। सही, प्लांट भी सेल से शुरू होता है, और उसमें क्या? सेल, गुठली, गुठली को सेल वो कर लो, सपोज गुठली को सेल करो, और फिर सेल से बनेंगे टिश्यूज, टिश्यूज से जो है फिर वो भी ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। प्लांट में जो है वो मेन सेल्स जो होते हैं, या टिश्यूज या सेल्स जो हैं, वो होते हैं जाइलम और फिलोम। फिलोम, मेन सेल्स जो होते हैं वो ये होते हैं, जाइलम और फ्लोम। सही, ये जो है जाइलम करता है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वो होते हैं फूड, खाने के ट्रांसपोर्ट को, जैसे कोई ऊपर पानी पहुंचा रहा होता है, जमीन से न्यूट्रिएंट्स लेके ऊपर पहुंचा रहा होता है, हाँ पत्तों पे, और पत्तों से क्या आती है? सनलाइट आती है स्ट्रोमेटा के जरिए, पत्तों में सुराख होते हैं छोटे छोटे, पत्तों में सुराख होते हैं, तो वो जो है, मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ पौधे का, ये आ गई हल्के, ये एक टिपिकल प्लांट का स्ट्रक्चर है, ये इसकी जो है वो रूट्स चल रही है। सही है, यहाँ से जो है वाटर, खाना वगैरह ऊपर जाता है, ऊपर से ये जो है यहाँ पे पत्ते हैं, फूल हैं वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। सही है, पौधे खाते भी हैं, यहाँ से पानी जाता है, फोटोसाइंथेसिस के जरिए ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज कैसे बनता है? हमारे पास होता है वाटर, वाटर के साथ क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनाता है ग्लूकोज। सही है, ग्लूकोज बनता है, और वगैरह वगैरह चीजें इसमें जरूरी होती हैं। मेन जो चीज होती है पौधे के लिए वो तीन चीजें होती हैं, एक होता है पोटेशियम, एक होता है नाइट्रोजन, और एक होता है फॉस्फोरस। अब ये तीन किस काम के लिए होते हैं?
मिटा दूंगा। अब तीनों का फंक्शन अलग है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। नाइट्रोजन क्या करता है, पत्तों को बढ़ाता है, ग्रीनरी करता है, सही है, प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं उनको ग्रीन करता है नाइट्रोजन, सही है। पोटेशियम क्या करता है, पोटेशियम प्लांट प्लांट की हाइट हाइट को बढ़ाता है, फ्रूट को बढ़ाता है। और फास्फोरस भी सेम काम करता है कि फ्रूट में फ्रूट कितना बड़ा होगा वो फास्फोरस पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा फास्फोरस होगा उतना ही अच्छा हमारे पास फ्रूट होगा, क्वालिटी ऑफ फ्रूट उतनी अच्छी होगी। तो एनपीके जो फर्टिलाइजर आता है उसमें ये तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं, नाइट्रोजन भी, फास्फोरस भी और पोटेशियम भी। ये क्या करता है, ग्रीनरी बढ़ाता है, पत्तों को ग्रीन करता है, ये हाइट बढ़ाता है और फ्रूट में भी इंक्रीज करता है साइज, और ये फ्रूट और हाइट दोनों को बढ़ाता है, सही। तो ये चीज़ें हैं प्लांट की, ये बेसिक जो है कंपोनेंट है। इसके अलावा कैल्शियम, नाइट्रोजन वगैरह बहुत सारे कंपाउंड और भी होते हैं, मिनरल्स होते हैं बहुत सारे जो कि प्लांट के प्रोडक्शन में मदद करते हैं। तो आज हमने जो डिस्कस किया है वो सेल और इसके जो फ्लो चार्ट है पूरी, जिसमें सेल टिश्यू वगैरह वगैरह जो है उनको डिस्कस किया है कि किस तरीके से ह्यूमन डेवलप होते हैं एक सेल से। अब वो सेल क्या होता है वो भी चलो समझा ही देता हूँ। वो सेल होता है, वो जो है मेल फीमेल के सेल्स होते हैं, वो मिलके जो है ह्यूमन बनता है, सही है। और उससे जो है फिर हल्के हल्के ऑर्गन्स बनते हैं अंदर ही, और फिर ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं इन सेल्स से। और इसी तरीके से जो है वो अब प्लांट पे आ जाए तो प्लांट में भी यही होता है, प्लांट में भी एक मेल और फीमेल होते हैं, इसी तरीके से ही काम वो जो है प्लांट में भी रिप्रोडक्शन होती है, होते हैं प्लांट में भी होते हैं। हर जोड़ा बनाया अल्लाह ताला ने हर चीज़ का, मतलब हर जो मेल है उसके साथ एक फीमेल ज़रूर मौजूद है, ये दुनिया का उसूल है कि हर मेल के साथ, हर जानदार कीड़े में भी है, एक एक चीज़ के साथ है, हर मेल के साथ फीमेल मौजूद है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गन क्या, पौधों में उनकी रिप्रोडक्शन होती है एक तरीके से, उसमें जो है वो आगे आएगा फ्रूट के अंदर होते हैं, प्लांट का जो फ्रूट होता है ना फूल, फूल के अंदर होते हैं, प्लांट के फ्रूट के अंदर ओवरी होता है, ओव्यूल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उससे जो है रिप्रोडक्शन वगैरह चलती रहती है। तो ये चीज़ें बायोलॉजी बेसिक जो है वो सेल से शुरू होती है और आगे चलती रहती है, हर चीज़ की एक बुनियाद होती है, और वो बुनियाद जो है वही जैसे कतरा कतरा दरिया बनता है, इसी तरीके से हर चीज़ जो है वो एक बेसिक से चलती है, ये नहीं कि फौरन कुछ भी बन के हो जाएगा, हर चीज़ का एक बेसिक पॉइंट होता है और वो बेसिक चीज़ बढ़ती है, सही है। अब एक थ्योरी वो होती है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये थ्योरी जो है ये हर जगह काम होती है, काम आती है। अब इसकी क्या बुनियाद है, अब जैसे सेल बन रहा है ना, सेल बनने में एक चीज़ नहीं बन रही है तो एक चीज़ कम भी होती है, जैसे जो रिप्रोडक्शन का जो वो प्रोसेस होता है उसके अंदर हम सोच रहे होते हैं कि इंसान बन रहा है, लेकिन इंसान जो बन रहा होता है उसके साथ एक पीछे वाला इंसान जो है वो ख़त्म भी हो रहा होता है, ये उसूल है हर दुनिया का, ये उसूल है, कोई चीज़ बनेगी तो उसके पीछे दूसरी चीज़ ख़त्म होती रहेगी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि कोई भी चीज़ वो नहीं है, फानी नहीं है, हर चीज़ बनने के बाद ख़त्म होती रहती है। अब जो कोई चीज़ नहीं बन रही है तो उसके साथ जो पीछे वाली चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती रहती हैं, इसी तरीके से ये चलता रहता है। एक टॉपिक है एवोल्यूशन, ये भी इसी में समझा देता हूँ, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन किसे कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं इवेल्यूएट होने को, किसी चीज़ के बनने को। एवोल्यूशन की दो वो हैं, एक तो बनना प्रोडक्शन और एक कहते हैं डिस्ट्रक्शन, सही है, मतलब बन रही है और पीछे ख़त्म हो रही है। डायनासोर्स से हमारे पास, डायनासोर्स की आज क्या
क्या चीज मिलती है, मतलब कौन सी चीज है जो डायनासोर से मिलती जुलती है? हाँ, डायनासोर जैसी है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डायनासोर से मिलते हैं। छिपकली है, लिजर्ड्स, लिजर्ड्स और गिरगिट जो है वो भी है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये डायनासोर्स के ही उसमें से। मुर्गी है। अच्छा, मुर्गी का ये कहते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं अंडा पहले आया तो मुर्गी पहले आई थी। इसका भी जवाब जो है, मेरे मेरी उसके थ्योरी के हिसाब से ये है कि मैं समझता हूँ अंडा पहले आया था। अंडा कैसे? डायनासोर्स खत्म हो रहा था ऐसे ऐसे। डायनासोर्स की हाइट छोटी हो रही थी, पहले उनकी हाइट बड़ी थी, ऐसे ऐसे उनकी हाइट छोटी होती रही थी। सही है। तो उनमें से एक डायनासोर्स ने जो है ऐसा अंडा दिया जो कि मुर्गी की तरह का था, काफी छोटा था, और उसकी जो थोड़ी बहुत वो थी ना, वो मुर्गियों जैसी थी, मतलब वो थोड़ा बहुत मुर्गियों से मिलता जुलता था। अब डायनासोर्स, मुर्गी को मैं क्यों कहता हूँ कि डायनासोर से मिलती है? अब मुर्गी में कुछ चीजें हैं। पहली, उसकी फूड, मुर्गी का, मुर्गी क्या खा, क्या क्या खा सकती है? सब खा लेती है। डायनासोर्स में भी यही था, डायनासोर्स सब खा लेते थे। डायनासोर्स घास भी खाते थे, पत्ते भी खाते थे और गोश्त भी खाते थे। सही है। तो मुर्गियों में फूड उनका है। सही है। फिर उनका जो स्टाइल है, खाने का स्टाइल और चलने फिरने का स्टाइल, वो सारा डायनासोर जैसा। सही है। फिर बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी हैं, उड़ना और पर वगैरह, ये सारी चीजें डायनासोर से रिलेट करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि अंडे मुर्गी के उसमें अंडा पहले आया था। सही है। अंडा पहले आया था, फिर जो है उससे ऐसा ऐसा मुर्गी डेवलप होने लगी। अब देखो, पहले की मुर्गियां, पुराने जमाने की और अभी की मुर्गियों में तुम्हें बहुत फर्क मिलेगा। अब की मुर्गियां जो है वो बहुत ज्यादा सुस्त हैं, वो बायलर होती हैं, वो उनमें जो है वो फूड उस तरीके का नहीं मिल पाता उनको। वो जो है वो या तो फिश फूड खा रही होती है, फिश फूड होता है वो जो मछली होती है ना, खराब सड़ी हुई, वो खा रही होती है। तो उसकी वजह से जो है वो बात नहीं रही है उनमें। ऐसा ऐसा उनमें भी एवोल्यूशन आ रही है। पहले मुर्गियां बहुत तेज भागती थी, अभी भी हैं, अब नहीं है, इतनी नहीं है, जंगली होती थी, अब वो बहुत सुस्त हो रही है। किस वजह से? फूड की वजह से। एवोल्यूशन कैसे कहते हैं? अब एक एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। पहले जो है वो मच्छर होते थे, मॉस्क्यूटोस पहले होते थे। पहले मच्छरों को मारने के लिए एक स्प्रे काफी रहता था, मर जाते थे। अब जो है उनको मारने के लिए स्प्रे करो, थोड़ी देर बाद वो खुद आ जाता है। कॉइल भी उनके ऊपर कम असर करता है, ऐसा ऐसा असर कम होता है। कोरोना वायरस की वैक्सीन है, या इंसान की बॉडी में जो बैक्टीरियाज होते हैं, हम दवाई खा लेते हैं, दवाई खाने के बाद बीमारी खत्म हो जाती है। अब वो बीमारी नहीं होती, उससे हाई फाई बीमारी होती है। सही है। दवाई का असर, वैसे पॉजिटिव असर बहुत कम होता है, नेगेटिव असर ज़्यादा होता है। दवाई एक दफ़ा तो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स है वो ख़त्म कर देती है, लेकिन वो जो है वो ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करती है कि वो जो है अब कम वाला नहीं होता। कोरोना वायरस कैसा है? कोरोना वायरस से पहले इन्फ्लुएंजा आया था 1920s में आया था इन्फ्लुएंजा, ब्रिटिश में आया था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे मारे गए थे। सही। वो हल्का था बहुत, और वो सिर्फ ब्रिटिश में था, उन्होंने उसकी दवाइयाँ बनाई। सही है। वो ख़त्म हो गया, लेकिन वो ख़त्म हुआ फिर कोरोना वायरस आया। सही है। ऐसा ऐसा बीमारियां बढ़ती हैं, कम नहीं होती, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर ऐसे, हम दवाइयाँ ऐसी खाते हैं। एंटीबायोटिक बहुत नुकसानदेह चीज़ है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है। एक दफ़ा तो ख़त्म कर देगी बीमारी को, लेकिन वो ऐसा कर देती है कि इंसान जो है वो कहीं का नहीं रहता था, बहुत नुकसान करती है। तो यही चीज़ें, ये एवोल्यूशन वगैरह, सेल्स, टिश्यूज बने, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम, और इस तरीके से प्लांट भी है, साइलम फ्लोम, बेसिक टिश्यूज और सेल्स हैं, और ये है बायोलॉजी का बेसिक है। इसके बाद जो है हम और चैप्टर्स पढ़ेंगे, रेस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन वगैरह को डिटेल में।